हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट को। फ्राइज रीअरेंजमेंट नाम में कुछ नहीं रखा आपने को, बेसिकली एक छोटा सा रीअरेंजमेंट है जो कि आपके काम आ सकता है। देखिए एग्जाम में किस तरह से या आपका मैकेनिज्म क्या होता है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब आप देखिए मेरे साथ साथ। बिल्कुल छोटा सा है ये वीडियो, बहुत शॉर्ट होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है, हम लोग एक इस तरह का कंपाउंड लेते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर एस्टर लगा हुआ होता है, बेंजीन के ऊपर एस्टर लगा हुआ है, उसको क्या सप्लाई करेंगे, AlCl3 एक ल्यूइस एसिड सप्लाई करेंगे। साथ में क्या लेंगे, थोड़ा हीटिंग होगा, साथ में क्या होगा, थोड़ा हीटिंग लेंगे। अब सबसे पहले AlCl3 क्या काम करता है, आपको पता है AlCl3 क्या काम करता है बच्चों? देखो AlCl3 को ना इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ये ल्यूइस एसिड है। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, AlCl3 क्या है, ल्यूइस एसिड। यहां पर आपको एस्टर दिखाई दे रहा होगा, C डबल बॉन्ड OO, ये वाला जो ग्रुप है ना आपका, इसको एस्टर बोलते हैं। इसका रीअरेंजमेंट होगा बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर, कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले AlCl3 को इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दो जगह दिखाई दे रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन के पास। इलेक्ट्रॉन्स वहां से डोनेट होंगे जिसके डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कौन से ऑक्सीजन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी दोनों में से, आप देखेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, जैसे sp3 वाला वो इजीली डोनेट कर पाता है, sp वाला डिफिकल्टी से डोनेट करता है। रीजन क्या है, sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp वाले की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करूं तो sp हाइब्रिडाइजेशन will have greater electronegativity as compared to sp2 which is greater than sp3. So sp3 वाले की electronegativity सबसे कम है, ये सबसे easily donation कर पाएगा। ठीक है, ये concept समझ में आया। electronegativity order की बात करें तो sp is greater than sp2 which is greater than sp3। यहां पर देखें इस oxygen की hybridization क्या है, sp2, जबकि इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा इजीली डोनेशन कर पाएगा। डोनेट किसको करेगा, AlCl3 को, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को दो इलेक्ट्रॉन की नीड है। AlCl3 अगर आप चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, इस वाले ऑक्सीजन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मैं यहां पर AlCl3 लिख देता हूं, इसको ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। होगा क्या उससे बच्चों, उससे बहुत सिंपली क्या होगा, यहां से एक अलग स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया। अब जब ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा तो बच्चों इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी टेंडेंसी होगी अपने ऊपर चार्ज कैरी नहीं करना चाहता। तो अब इस चार्ज को हटाना है, कैसे करेंगे, सिंपली क्या कीजिए, यहां पर हीट कर दीजिए। हीट करने से क्या होगा, मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देता हूं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे पहुंचा देता हूं, यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहां पर आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, सर इतना इजीली कार्बोकेटाइन तो जनरेट नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं सर ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया तो ये इतना इजीली नहीं होना चाहिए। बच्चों ये हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। अब आप कहेंगे कि सर ये रेजोनेंस कहां से आ गया, इसमें रेजोनेंस है, कैसे रेजोनेंस है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, उससे क्या होगा, यहां पर ये कार्बोकैटायन ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा,
सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस साइड आर ग्रुप, इस वजह से ये ग्रुप लीव कर पाता है, अदरवाइज इस ग्रुप का लीव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता। तो यहां पर ये वाला आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बेसिकली ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अटैक होगा वो कार्बन पर ही होगा, क्योंकि क्या होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो ट्रिपल बॉन्ड में से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, वापस से डबल बॉन्ड ऑफ फॉर्म हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अपने पास बेंजीन रिंग थी, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग के पास, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। अब डोनेट कैसे हो सकते हैं देखिए मेरे साथ साथ, यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां अटैक कर दें, ये बेसिकली फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप की रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन याद है ना आपको। अब ये अटैक इस पोजीशन से भी हो सकता था, पैरा पोजीशन से भी हो सकता था, ऑर्थो और दोनों पैरा दोनों पोजीशन से अटैक हो सकता है, इसमें ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। मैं ऑर्थो पोजीशन से दिखा रहा हूं, आप पैरा पोजीशन से भी दिखा सकते हैं, अगर ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा पोजीशन पर ही जाकर के अटैचमेंट होगा, ध्यान रखना है, अगर ऑर्थो ब्लॉक है तो अटैचमेंट कहां से होगा पैरा पोजीशन से, लेकिन यहां पर ऑर्थो ब्लॉक नहीं है, इस वजह से मैं अटैक किस पोजीशन से करा रहा हूं ऑर्थो पोजीशन से। प्रोडक्ट दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, दोनों साथ साथ प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान रखना है ठीक है। तो यहां से आपके पास फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन टाइप कैसे होगा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूं क्योंकि डबल बॉन्ड थोड़ा अच्छे से नहीं बना था। अब उससे नेक्स्ट क्या होगा, एरोमेटिसिटी रिटेन कराना है, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में ये हम लोग देखते आए हैं कि लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी रिटेंशन होता है। कैसे रिटेन करेगा, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ देगा, यहां पे साइड वाला जो हाइड्रोजन है ना ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। बेसिकली होता क्या है, AlCl3 से एक Cl- यहां पे अटैक कर देता है, होता है ऐसे ही है, बट मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, एक Cl- आकर के यहां से हाइड्रोजन को ले लिया, यहां पे क्या होगा हाइड्रोजन डाउन जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। सिंपली डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा बच्चों, इतनी चीज समझ में आई। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप क्या सप्लाई कीजिए, H+ सप्लाई कीजिए, स्मॉल अमाउंट में एसिड सप्लाई कीजिए, डाइल्यूट HCl मैं यहां पर लिख देता हूं, डाइल्यूट HCl, वो क्या करेगा AlCl3 को हटा करके H+ जोड़ देगा, सिंपली AlCl3 अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाएगा, उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा H+। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, और अगर आपने कॉपी नहीं करना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है बच्चों। यहां पर अगेन देखिए, प्रोडक्ट यहां से यहां, सिंपली ये प्रोडक्ट बना है, ध्यान रखना है, यहां से यहां पूरा मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, बिल्कुल इजी सा मैकेनिज्म है, आपको आना चाहिए और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें काफी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें कोई खास एग्जाम्पल की नीड नहीं है, आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो जो अटैचमेंट है वो पैरा पोजीशन पर हो जाएगा, पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पोजीशन पर ही अटैचमेंट रहेगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, उससे मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चों, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए, थैंक यू बच्चों।